नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार परंपरागत शान शौकत के साथ राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में संपन्न हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में 9 नए मंत्री शामिल किए गए, जबकि स्वतंत्र प्रभार वाले 4 मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। पदोन्नति पाने वाले मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान अभी तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार देख रहे थे। पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री के तौर पर पदोन्नत किया गया है और अभी तक वे ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। निर्मला सीतारमण को भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से पदोन्नत किया गया है, वे अभी वाणिज्य मंत्रालय संभाल रही थीं। मोदी मंत्रिपरिषद के एकमात्र मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को भी पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वे अभी तक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2022 तक भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को निवेदन किया है। सबकी एक ही लक्ष्य है, उस काम पे जुटे। प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पांसिबिलिटी हम सबको दी है, उस जो कसौटी है उस पर खरा उतरना हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है। मोदी मंत्रिपरिषद में आज शामिल सभी 9 मंत्रियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वालों में बागपत के सांसद सतपाल सिंह और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, आरा से सांसद आरके सिंह और बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, टीकमगढ़ से सांसद वीरेंद्र कुमार, जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तर कन्नड़ से सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा 2 ऐसे पूर्व नौकरशाहों ने भी शपथ ली जो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है। यह पूर्व IAS KJ अल्फोंस और पूर्व IFS अधिकारी हरदीप सिंह पुरी। मैं सबसे पहले माँ कुलदेवी, माँ भगवती, श्री केदारनाथ और अपने लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह भाई को, संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूं और संगठन के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई है, तो जैसा पूर्व में संगठन के लिए काम करता रहा हूं, वैसे ही इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा और हमको जो भी दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व का मैं पालन करूंगा। मुझे तो जिस क्षेत्र में कहा जाएगा मैं उस क्षेत्र में काम करने को तैयार हूँ। जो हमारे इस समय चैलेंजेस हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं और बाकी विदेश राज्य मंत्री, वो सब बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में उन चीजों के साथ। कैबिनेट विस्तार में यूपी और बिहार को खास तवज्जो दी गई है। मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे यूपी और 2 बिहार के हैं, जबकि कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल से एक एक चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN.